स्वागत है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि डिजो वॉच 2 के साथ रेडमी वॉच का एक कंपैरिजन चाहिए जो कि जीपीएस बिल्ट इन के साथ आती है। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। ऑलमोस्ट रेडमी वॉच 40% एक्स्ट्रा प्राइस में आती है डिजो वॉच 2 से अगर कंपेयर करें। क्या ये वर्थ है आपको 40% एक्स्ट्रा देना या नहीं, क्योंकि रेडमी वॉच फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 4000 के प्राइस ब्रैकेट में और डिजो वॉच 2 आपकी 2299 मतलब 2300 रुपये में या मतलब आपको 2500 रुपये में मिल सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं और लो प्राइस लिंक आपको शेयर करते रहते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो गाइज़ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं डिजो 2 बहुत आगे निकल जाती है। 1.696 की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, थोड़ा सा बड़ी मिलती है डिस्प्ले और लुक वाइज प्रीमियम लगती है वॉच। ये लगती नहीं है कि आपको अंडर 3000 में आपने बाय किया है, 2500 रुपये के अंडर आपने बाय की है। ये थोड़ी सी प्रीमियम लगती है, अंडर 5 या 6000 के प्राइस ब्रैकेट में आपने बाय की, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी भी है। इसमें स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है और मेटल का फ्रेम यूज़ किया गया है। रेडमी की बात करो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 1.4 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। यस, यहाँ पे रिजोल्यूशन आपको बेटर मिल जाता है, 320x320 पिक्सल्स का आपको रिजोल्यूशन मिलता है एज कम्पेयर टू डिजो में थोड़ा सा पिक्सलेट होती है पिक्स। जब आप कोई पिक लगाओगे या मतलब डार्क कलर होंगे इसमें तो थोड़ा सा पिक्सलेट होगी वो, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो थोड़ा सा कम दिया गया है, 240x280 पिक्सल्स का ही रिजोल्यूशन मिलता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लगता है। और आगे बात करें यहाँ पे रेस 2 एक मिल जाता है दोनों ही वॉचेज में। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है। प्रोटेक्शन एक्जैक्टली बताया नहीं है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो इन सब वॉचेस में क्या होता है कि प्रोटेक्शन तो नहीं, मतलब एक स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास का ऊपर से मतलब एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से स्क्रैच जल्दी नहीं पड़ती। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक टेम्पर्ड लगवा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप रफली यूज़ करते हो। मैं बहुत केयरफुली यूज़ करता हूँ तो मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप रफली यूज़ करते हो तो आप लगा सकते हो। आगे बात करें यहाँ पे जो पर्पिसल डेंसिटी वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे शार्पनेस दोनों की सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। और गाइस उसी के साथ साथ जो पीक ब्राइटनेस है वो डिजो वॉच 2 की ज़्यादा बेटर है, 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में डिजो 2 थोड़ी सी स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है रेडमी वॉच से और डिस्प्ले साइज भी कहीं ना कहीं डिजो 2 का बड़ा है। आगे बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो। रेडमी में 200 से भी ज़्यादा क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा सकते हो। एडिटेबल वॉच फेस मिल जाता है, सिर्फ एक ही वॉच फेस को लास्ट वाले को आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4-5 जो दिए गए डिफॉल्ट वाले उनको सबको हटा के आप दूसरे वॉलपेपर लगा सकते हो, नहीं, सिर्फ लास्ट वाला ही चेंज होता है। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस की, तो डिजो 2 में 16 स्पोर्ट्स मिलते हैं, रेडमी में 11 ही मिलते हैं। और उसी के साथ साथ 580 वाटरप्रूफ आपकी मिल जाती है डिजो 2, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रेडमी आपकी IP68 की रेटिंग के साथ आती है, मतलब 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। तो यहाँ पे डिजो 2 बाजी ले जाती है। एवरेज स्टेप काउंटिंग स्पोर्ट्समैन एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है डिजो 2 में। इसकी मैं अनबॉक्सिंग रीड और रिव्यू कर चुका हूँ। नोटिफिकेशन एक्सेस एरर भी आ रहा था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं डिजो वॉच 2 के लिए और एप्लीकेशन भी सही से इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया। तो डिजो 2 कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू रेडमी। रेडमी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ 95% तक की आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी स्लीप मॉनिटरिंग की, और HR मॉनिटर जो कि है इसमें उसकी भी एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी है 90% तक की। और डिजो 2 में जो एक्यूरेसी लेवल है वो 75% या 70% तक की है। तो मैंने ऑलरेडी इसका एक एक्यूरेसी टेस्ट भी बना रखा है, तो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा कार्ट में। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है, बट रेडमी में आपको एज मिल जाता है जो कि GPS सेंसर मिल जाता है जो कि डिजो 2 में अवेलेबल नहीं है। 3-axis एक्सेलेरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और GPS मिल जाता है डिजो 2 में आपको। एक्सेलेरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर और साथ में SP2 लेवल सेंसर भी मिल जाता है जो कि रेडमी में SP2 लेवल सेंसर नहीं है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता है दोनों में से किसी में, वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं। रेडमी में कॉल को कट और म्यूट भी कर सकते हो, डिजो 2 में सिर्फ अभी कट का ऑप्शन है, मे बी इन फ्यूचर अपडेट कंपनी ऐड कर दे। फुल टच पैनल है, स्मूथ, यहाँ पे स्टटर लैग ना के बराबर देखने को मिलेगा दोनों में ही। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है दोनों ही वॉचेज में। अब बात आती है हमें ब्लूटूथ वर्जन की, तो रेडमी थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है यहाँ पे 5.1। यहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं होंगे आपको बिल्कुल भी, डिजो 2 के साथ आपको कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर की, तो फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर, फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है डिजो 2 में। रेडमी में आपको फाइंड माई फोन और म्यूजिक कंट्रोल अवेलेबल है, GPS इनबिल्ट है, बट यहाँ पे कैमरा शटर एक्जैक्टली बताया नहीं गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो मैं वो कंफर्म नहीं कर सकता आपको। जितने भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड या iOS दोनों ही से ही पेयर हो जाएंगी दोनों ही वॉचेस। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो कस्टम UI यूज़ किया गया है, रेडमी में MIUI यूज़ किया गया है, मतलब MI फोन वाला नहीं, मतलब इनका MI का कस्टम UI यूज़ किया गया है। सिंगल बटन कंट्रोल दोनों में ही मिल जाता है और गेस्चर्स के यूज़ करके डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे स्लाइटली मेरे को ऐसा लगता है डिजो 2 ज़्यादा बेटर लगती है इन हैंड फील, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बटन है वो भी मेटेलिक है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे 2 घंटे ऑलमोस्ट दोनों ही वॉचेस देती हैं फुल चार्जर में। 30 से 45 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देंगे। डिजो 2 में 260mAh बैटरी टू भी एक्जैक्ट यूज़ किया गया है, रेडमी में एक्सपेक्टेड है 210mAh बैटरी। और रन टाइम की बात करूँ ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे,
चार्जिंग टाइप डॉक चार्जिंग लाइट में मिल जाता है, और डिजो टू में आपका मैग्नेटिक चार्जिंग मिल जाता है। डिजो टू की जो चार्जिंग मतलब केबल है वो इंफीरियर क्वालिटी है, एज कम्पेयर टू रेडमी में आपको सुपीरियर क्वालिटी की केबल मिलती है। यहाँ पे एक्चुअल में सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो तो 6 दिन करंट टाइम मिल जाएगा, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 3 से 4 से 5 दिन आपको बैटरी बैकअप दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हो जाएगा। अब मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले HR मीटर दोनों ही मिल जाता है, SP2L डिजो में मिल जाता है जो कि रेडमी में अवेलेबल नहीं है। स्लीप ट्रैकिंग मिल जाता है, कितना एक्यूरेट है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है डिजो टू में, और सेडेंटरी रिमाइंडर तो दोनों में ही मिल जाता है। PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि ब्रीफ में डाटा शो करता है और ज़्यादा एक्यूरेट है, डिजो टू में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, GPS इनबिल्ट है ये। अब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉच का वेट है जो वो बहुत कम है डिजो टू का, नहीं डिजो टू का कम नहीं है मतलब रेडमी का कम है। डिजो टू आपकी 51 ग्राम्स की है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। रेडमी आपकी 35 ग्राम्स की है जो कि पूरा ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है। 20mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। और बात करें यहाँ पे सॉफ्ट सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी यूज़ करी गई है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है। मेन बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ डिजो टू प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू रेडमी, आपकी मतलब थोड़ा सा फॉर्मल लुक देती है। डिजो टू आपको फॉर्मल भी देगी स्पोर्टी लुक भी देगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजो टू बाजी ली जाती है। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात आती है, डिजो टू ऑलमोस्ट 2300 रुपये में अवेलेबल है और रेडमी आपकी 4000 में अवेलेबल है। बट यहाँ पे कंक्लूजन आता है कि आपको रेडमी लेनी चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी एक एक्यूरेट वॉच लेना है तो रेडमी बेस्ट है, अगर आपकी प्रायोरिटी एक फॉर्मल वॉच लेना है तो रेडमी बेटर है, और उसी के साथ साथ अगर आपकी प्रायोरिटी एक GPS वॉच लेना है तो रेडमी वॉच बेटर रहेगी। और डिजो टू प्रीमियम लुक के साथ आती है, फीचर्स ज़्यादा इसमें मिलते हैं, रिच फीचर्स मिलते हैं, बट वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा डाउन है। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया, रेडमी आप एक्यूरेसी के लिए ले सकते हो, डिजो टू आप लुक्स के लिए ले सकते हो। तो गाइज ये था मेरा एक सिंपल सा कंपैरिजन वीडियो, आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।